फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के जिला दर्शन और जिला दर्शन में पढ़ेंगे जिला बीकानेर। और जो भी प्री बीएसटीसी या फिर पीटेट या फिर सेट की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, इस श्रृंखला को आप जरूर देखना, क्योंकि इस श्रृंखला के अंदर राजस्थान के इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कल्चर और विविध के साथ साथ कंट के पर्सन भी मैंशन होते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और हर एक जिला दर्शन आप पढ़ के जाते हो तो हर यानी यहाँ से आपको कम से कम 2 या 4, 5, 6 लगभग आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो आज इस रिवाइज सेशन को अपन पढ़ते हैं। शुभकर क्या है? प्रतीतर। और ये कहाँ पर मिलते हैं? तो गजनेर हबियान में मिलते हैं। गजनेर में एक जिला एक उत्पाद का नाम है मोठ, क्योंकि यहाँ मोठ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से मोठ से भुजिया पापड़ बनते हैं। बीकानेर जिले के उपनाम रातीघाटी, ऊन का घर और जांगल प्रदेश, ऊँटों का देश कहा जाता है। बीकानेर में पापड़ जो भूमि भुजिया है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इस पापड़ भुजिया को आईजी टैग भी मिला हुआ है, यानी भौगोलिक संकेतिक चिन्ह भी मिला हुआ है। बीकानेर के पंडहरी मोदक, ये प्रश्न आया था कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2020 के अंदर। और ये एक मिठाई है, वो एक लड्डू की तरह है, तो इसको भी आप ऐड कर लेना अपने नोटबुक पर। जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीकानी 1465 के अंदर जांगल प्रदेश के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों के कन्नी माता के आशीर्वाद से जीतकर इस क्षेत्र में राठौर राजवंश की शासन की शुरुआत की और बीकानेर रियासत की स्थापना की। तो ये भी आपने ऐड कर लेना। और राव बीकानी 1588 ईस्वी में बीकानेर शहर को बसाया और अपनी राजधानी भी बनाया। और स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 बीकानेर रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया। और इसके साथ एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूँ कि ऐसी एक भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी, जिसके तत्काल शासक थे शार्दुल सिंह। और बीकानेर कुल विधानसभा सीटें कितने? तो 7 हैं। अब अपन पढ़ते हैं प्रसिद्ध मंदिर। तो बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कन्नी माता का मंदिर, जो देशनोक में स्थित है। और ये राठौर राजवंशों की कुलदेवी हैं। इसके साथ ये चारणों की भी कुलदेवी हैं, इसे चूहों की देवी भी कहा जाता है। इसका बचपन का नाम रिधिबाई था और सफ़ेद चूहों को यहाँ पे काबा कहा जाता है। मेला प्रतिवर्ष 2 माह में भरते हैं, एक चैत्र एक आश्विन। और इसके बाद मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, ये बिश्नोई का पवित्र जो स्थान रहा है। यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय के पर्वत जाम्बूजी का समाधि स्थल है। यहाँ जाम्बूजी 1526 ईस्वी में समाधि ली थी। और जाम्बूजी का वास्तविक नाम धनराज और बिश्नोई का अवतार विष्णु जी का अवतार गंगा गहला और प्रयाण वैज्ञानिक आदि के नाम से जाना जाता है। और बिश्नोई का मतलब होता है कि 20 और 9 नियमों को अपनाने वाला, यानी धारण करने वाला। और इसके बाद में कोलाजी, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि की तपोभूमि रही है। और कोलाजी का महत्व यहाँ गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेला भरता है। लोक देवता बीगाजी, तो बीगाजी के बारे में है कि मुस्लिम लुटेरों ने गाय छुटाने हेतु बीगाजी जाट ने अपने प्राणों को क्या किया था, बलिदान किया था। बीगाजी जो गांव है, बीगा गांव है, और इसमें 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यहां पे इसकी शहादत के लिए या याद के लिए मेला लगता है। इसका जन्म रीढ़ी बीकानेर के जाट परिवार से हुआ। और बीगाजी जाकर समाज के कुलदेवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो ये भी याद कर लेना। बांडासा जैन मंदिर, तो ये जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमित नाथ जी को समर्पित है। और इसका जो निर्माण करवाया था ये बांडासाह नामक ओसवाल महाजन ने करवाया था। और इस मंदिर के बारे में एक खास बात ये है कि इसका निर्माण के समय पानी की जगह घी का प्रयोग लिया गया और आज भी घी की खुशबू यहाँ पे आती रहती हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के जो प्रधान या संस्थापक जसनाथ जी हैं, उनकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो कतरियासर बीकानेर में है। और यहाँ जसनासी संप्रदाय के सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य या अंगार नृत्य किया जाता है, ये भी आप याद कर लेना। और जिस तरह बिश्नोई संप्रदाय के अंदर 29 जो नियम होते हैं, इसी तरह जसनासी संप्रदाय के अंदर 36 नियम होते हैं। हरिदास जी, ये रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इनके संस्थापक हरिदास जी हैं। ये कहाँ पे? तो सियंतल हैं। ये 4 रामसनी पीठ हैं। इसके बाद में हिराम गणपति का मंदिर, ये बीकानेर में स्थित है। और ये जो आपको इतना याद करना है कि गणेश जी की प्रतिमा सिंह पर सवार है,
लक्ष्मीनाथ मंदिर आपको इसमें इतने याद रखने हैं कि बीकानेर के शासकों का कुल देवता माना जाता है। इसका निर्माण लोनकर ने सिंह ने करवाया। अब बीकानेर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला जूनागढ़ किला, और जूनागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था, तो रायसिंह जी ने करवाया था। इस किले में फूलमहल, कर्णमहल, चंद्रमहल स्थित हैं, और मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी द्वार को कर्णपोल कहा जाता है और पश्चिम पोल को चांदपोल कहा जाता है। लालगढ़ पैलेस निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की समृति के अंदर करवाया था। अनूप महल अनूप सिंह ने करवाया था। बीकानेर के शासकों का राजतिलक इसी महल में होता है। देवीकुंड सागर ये बीकानेर राजवंशों का एक शमशान घाट है। यहाँ पे जो कल्याण सिंह जी की पहली छतरी यहाँ पे बनी हुई है। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय ये बीकानेर में स्थित, जिसका उद्घाटन तत्काल भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। और बीकानेर में हवेलियाँ फेमस कौन कौन सी है, तो डागा हवेली, बचवतों की हवेली और रामपुरियों की हवेली फेमस है यहाँ की। अब पढ़ लेते हैं बीकानेर की प्रमुख झीलें। झीले में कोयला झील और राजस्थान ये है मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि महर्षि कपिल जी मुनि का यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भी लगता है। इस मेले में दीपदान की परंपरा है, ये भी कई बार अक्सर प्रश्न पूछा जा चुका है। इसे इस झील को शुष्क मरुस्थल का मरु उद्यान भी कहा जाता है, ये ऐड कर लेना। इसके बाद में गजनेर झील, तो पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। और इस यह पैलेस, इसके साथ पैलेस भी महाराजा गंगा सिंह, जो गंगा सिंह द्वारा बालू पत्थरों से द्वारा करवाए गए हैं, यहाँ पे एक पैलेस भी बनवाया हुआ है। ये एक मीठे पानी की झील है। लूणकर्ण झील, जिसका निर्माण लूणकर्ण सिंह जी ने करवाया था। और एडिशनल जानकारी आपको मैं बता दूँ कि लूणकर्ण सिंह को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अन्य झील गजनेर झील, अनूप सागर झील, सूर सागर झील। प्रमुख अभियान, तो जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है जो गिद्धों के लिए फेमस है, और गजनेर वन्य जीव अभियान जो बट तितर या बटबड़ दो पक्षी के लिए यानी फेमस है, और जंगली सूर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं अनुसंधान केंद्र, तो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1966 बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 बीकानेर में। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेड्स परियोजना झज्जर जो बीकानेर में स्थित। देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ है, लोनकर सर बीकानेर। पुंगल भेड़ अनुसंधान केंद्र, इसका अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित। पुंगल भेड़ इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो पुंगल तहसील बीकानेर में है। प्रमुख विश्वविद्यालय पर लेते हैं, तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय भी बीकानेर में है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी बीकानेर में स्थित है। और महाराजा गंगा सिंह जो विश्वविद्यालय जो बीकानेर में स्थित है, आप ये भी याद कर लेना। ये चार यानी अपने ये चार जिलों में कार्यरत हैं, और बीकानेर संभाग में चार जिले जो आने वाले, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। प्रमुख व्यक्तित्व तो पढ़ लेते हैं, तो कंवर सेन जी, तो इंदिरा गांधी नहर के जनक इसे कहा जाते हैं, और इसने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। ये बीकानेर जिले से थे मूलतः। और पृथ्वीराज राठौर, ये पीथल व डिंगल हेरोस के उपनाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना थी गंगा लहरी, बेली, किशन रुक्मिणी और गंगा जी का दुआ, तो ये याद कर लेना। बाकी मैं बीकानेर रियासत जो राजवंश में पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको वापस पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बताऊँगा कि ये किसका भाई और इसके पिता कौन थे। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये एक निशानेबाज है। 2002 के अंदर मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ गेम में एकल डबल ट्रिप सफलता में स्वर्ण पदक जीता था। अल्लाह जीना भाई, ये मांड गायिका है। केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश, ये गीत उन्होंने गाया था। उन्होंने वर्ष 2012 के अंदर राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुंवर जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता थे, ये भी याद कर लेना। ऊर्जा संसाधन के अंदर अपन पढ़ेंगे, तो देश व राज्य की निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र कौन था, रानेरी जो बीकानेर में स्थित है। एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन जो 10 मेगावाट क्षमता का, बैरूखेड़ा जो बीकानेर में स्थित है। लिग्नाइट आधारित कोयले की राज्य की सबसे बड़ी खान जो पलाना और बरसिंगसर प्रमुख कोयला उत्पादन जो क्षेत्र आते हैं, और बरसिंगसर में ताप विद्युत गृह परियोजना भी संचालित है, ये आप याद कर लेना। यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए बीकानेर जिले के बारे में, तो पहली बात कि भी लूणकर्ण सर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के लिए इसे क्या कहा जाता है, राजकोट कहा जाता है। बीकानेर की
पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। और ये भी याद कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है वो भी बीकानेर है, और अधिकतम है 464 किलोमीटर जो जैसलमेर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो राजस्थान के चार जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में स्थित है। ऊँट मास तो जनवरी फरवरी में लगाया जाता है, और ऊँट को आपको पता है कि 30 जून 2014 को राजस्थान का एक पालतू जानवर की श्रेणी में घोषित किया। रमत क्या है? तो एक यहाँ का लोक नाट्य जो है जो बीकानेर में फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र भी बीकानेर में। एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर में माथेरन कला और उस्त कला, ये दोनों याद कर लेना, ये दोनों ही फेमस बीकानेर के हैं। एशिया में विश्व मैं बात करूं कि बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी स्थित है, तो ये भी आप याद कर लेना। वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय भी बीकानेर में। देश व राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी भी बीकानेर में है, और राजस्थान की सबसे बड़ी जेल जो है बीकानेर में है। और बीकानेर और चूरू एकमात्र ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं गुजरती, और बीकानेर चित्र शैली के अंदर पड़ते हैं। तो इस शैली का सर्वप्रथम या स्वर्णकाल जो अनूप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है, इस शैली के चित्रकार जो चित्र बनाकर इसके नीचे क्या लिखते थे? नाम और तिथि लिखते थे। तो ये याद कर लेना, जो बीकानेर चित्र शैली की ये विशेषता है कि भी लगभग क्या करते थे, जितने भी चित्रकार हुए हैं वो अपने नाम और नाम के नीचे तिथि जरूर अंकन करते थे, और अतः कलाकार उस्ताद कहलाते थे। और रामलाल हसन और अली रजा चित्रकारों की त्रिगुट बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में सन 1936 में मंगाराम बेद ने किया, और बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा किया गया था, और उदरासर किसान आंदोलन 1927 जीवनराम चौधरी के नेतृत्व में किया गया था। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और पढ़ते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।